हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 31 दिसंबर 2019, जो कि इस वर्ष 2019 का अंतिम दिन भी है। तो आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूज़, इज करंट न्यूज़ और स्टैटिक जी के स्पेशल नॉलेज, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो अब देखिए, बारिश की बूंदें सभी ने देखी हुई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बारिश की बूंदें नहीं देखी हैं। देखें कितनी छोटी छोटी होती है, पर उनकी चमक कितनी होती है। और वो एक नदियों जैसे बहुत सारी बूंदें पड़ जाती हैं, तो नदियों के बहाव, नदियों का जो बहाव होता है वह बन जाता है। जैसे जब बारिश होती है तो वो नदियों में पहुंच जाती है सारा पानी जो भी होता है। इसी प्रकार अगर आप छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे, आपको ये लगता है इतना हम कैसे कर पाएंगे, फिर भी आप प्रयास करते रहिए, छोटा छोटा प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की वन लाइनर न्यूज़ क्या हैं। तो पर्यावरण से फर्स्ट न्यूज़ है, तो वो है फिजी में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसका नाम क्या है, तो वो है सरई चक्रवात। अभी फिलीपींस में भी एक चक्रवात आया था, तो उसका जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको ज़रूर इसको मेंशन करना है। ओके, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की, इंटरनेशनल न्यूज़ की। अब्देल अजीज़ ज़ेरार्द किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं अल्जीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार वर्ष 2020 मतलब 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा म्यांमार और सीरिया में युद्ध अपराध की जांच के लिए शामिल किया गया निधि कितनी है। जो शामिल निधि की गई है, मतलब कि कितने रुपए शामिल किए गए, तो वो 3.07 अरब अमेरिकी डॉलर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगी वो नेशनल न्यूज़ रहेगी। नए CSIR इनोवेशन सेंटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन संस्थान का स्थल क्या है, तो वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2019 को कवियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, नेशनल संगोष्ठी हुई है 2020, आयोजित करने वाला संस्थान कौन सा है, तो वो है आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो। आपने बहुत सुना होगा आकाशवाणी, जब आप PIB न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं तो उसमें आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में रेडियो की तरह आप सुन सकते हैं सारी न्यूज़, बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत अच्छा चैनल है आकाशवाणी, आप उसको फॉलो भी कीजिए, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। हम फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। व्यक्ति विशेष से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए पुलिस महानिरीक्षक कौन बने हैं, तो ये नए पुलिस महानिरीक्षक बने हैं विजय कुमार, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए पुलिस निरीक्षक महानिरीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर उजाला मीडिया हाउस द्वारा दिए गए आकाशदीप सम्मान के विजेता कौन है, तो वो हैं भालचंद्र नेमाडे, जो कि मराठी साहित्यकार हैं, और ज्ञान रंजन, जो कि हिंदी लेखक हैं। दो लोगों को आकाशदीप सम्मान से सम्मानित किया गया है, भालचंद्र नेमाडे मराठी साहित्यकार और ज्ञान रंजन हिंदी लेखक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मकाई है जो, यह किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित चलचित्र है, तो वो मलाला यूसुफ जाएगी। इन्हें अभी शांति का नोबल पुरस्कार भी दिया गया है। अमजद खान द्वारा निर्देशित और संजय सिंगला द्वारा निर्मित है, तो ये इसका नाम है गुल मकाई। किसकी चलचित्र है, किसकी जीवनी पर आधारित चलचित्र है, मलाला यूसुफ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला भारतीय उद्योजक कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं रतन टाटा। ये न्यूज़ हमने डिटेल फॉर्म में भी रखी हुई है, तो उसको भी आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लास्ट का आज ईयर का लास्ट दिन था, तो हम कुछ बहुत ही अच्छा लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो आपको पूरा वॉच करना है और नोट भी कर लेना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। गूगल पर सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व किसका खोजा गया, अब व्यक्तित्व की बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा मेजर अभिनंदन वर्धमान को खोजा गया। ये आपको याद होगा, अभिनंदन वर्धमान के नाम से इन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था, फिर इनको छोड़ना पड़ा था 48 घंटे के अंतराल में। ठीक है, अब खेल से न्यूज़ देखेंगे। 2019 महिला विश्व रैपिड चैंपियन बनी भारतीय ग्रैंड मास्टर, उनका नाम क्या है, तो वो है कोनेरू हम्पी। इन्होंने मास्को रूस में चीन की ली तिंगजी को हरा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला दिल्ली एवं जिला क्रेडिट संघ DDCA के नए लोकपाल कौन बने, तो वो बने हैं न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं दीपक वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विशेष से,
किस राज्य सरकार ने आधिकारिक दस्तावेज जैसे आय, निवास और इसी तरह के अन्य प्रमाण पत्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ई सर्टिफिकेट परियोजना शुरू की है? तो वो परियोजना शुरू की है ओडिशा ने। ओडिशा की कैपिटल सभी को पता है भुवनेश्वर होती है। यहाँ पे नवीन पटनायक जी CM है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और उड़ीसा का चांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पिनाक मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल और एक QRAS मिसाइल का भी यहाँ पे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और यहाँ के व्हीलर द्वीप को APJ अब्दुल कलाम नामक द्वीप से जाना जाने लगा है। पहले वो व्हीलर द्वीप था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी ओडिशा में ही स्थित है। नेक्स्ट जो है ज्ञान विज्ञान से न्यूज है। लखनऊ के CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट किस संस्थान ने इस औषधीय पौधे के उत्पाद के लिए एक कम लागत वाली तकनीक विकसित की है? तो वो की है गेरियम पौधा, जो कि षडांत विनाशक होता है, जो मतलब स्मेल बहुत बेकार आती है उसके लिए, उसको ये हल लेगा और ये दाहक छामक गुणों के साथ होता है। अब बात करेंगे जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे सामान्य ज्ञान की। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की मतलब कि CSIR की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में 26 सितंबर को। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई 1942 में 26 सितंबर को। मुख्यालय है CSIR का नई दिल्ली में। ओके, अब बात करेंगे आकाशवाणी की। तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की स्थापना हुई थी 1936 में 8 जून को। अब अल्जीरिया की बात हुई थी तो इसकी जो कैपिटल होती है वो है अल्जीरियस और मुद्रा होती है दिनार। नेक्स्ट आपका जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात हुई थी, यहाँ पे विजय कुमार पुलिस महानिरीक्षक बने हैं। तो वहाँ की जो केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बना है, तो ये कब बना है? तो वो बना है 31 अक्टूबर 2019 को। अब बात करेंगे करंट न्यूज़ और स्टैटिक GK की। अब ये न्यूज़ रहती हैं डिटेल फॉर्म में और इसके साथ हम जो भी बताते हैं वो स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है वो लिखा गया हो, हमने जो बोला है वो भी आपको नोट कर लेना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ को मेंशन जरूर कीजिए। आज हमने जो होमवर्क दिया है उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमारे टिकटॉक अकाउंट और हेलो अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए जिससे जो भी PDF हो आपको आराम से मिल जाए और अपने नोट्स को आप अरेंज कर सकें। अब नया साल आने वाला है तो आपके टारगेट भी एकदम बढ़िया हों और अच्छे हों, और आप एकदम ठान लीजिए कि हमें ये हासिल करना ही है और अपने हिसाब से पूरा अच्छा पूरा एक ब्यौरा तैयार कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और अच्छे से अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो भी। ओके, दैनिक समाचार डाइजेस्ट मतलब कि ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, यहाँ 29 नहीं, यहाँ होगा 31 दिसंबर। यहाँ होगा 31 दिसंबर के समाचार हैं ये, वहाँ पे 29 दिसंबर लिख गया। संयुक्त राष्ट्र ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये वन लाइन में भी हमने फॉर्म की थी तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। सभा ने कहा, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य देशों की आपत्तियों पर साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करना शुरू कर देगा। 193 सदस्य देशों द्वारा रूसी मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब रूस की कैपिटल होती है मॉस्को और यहाँ की करेंसी होती है रूबेल, और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 2019 में रतन टाटा गूगल पर भारत में सबसे अधिक खोजे जाने वाले बिजनेसमैन टाइकून के रूप में उभरे हैं। तो गूगल ने ईयर इन सर्च 2019 की रिपोर्ट जारी की। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा, ईयर इन सर्च 2000 रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले उद्योगजक कौन है या बिजनेस टाइकून कौन है? तो वो है रतन टाटा। तो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन पर कौन क्या ट्रेंड रहा था? रतन टाटा भारत के सबसे लोकप्रिय कॉरपोरेट कंपनी है और व्यक्तित्व श्रेणी में सबसे अधिक खोजे जाने वाले वायुसेना के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान जी हैं। ठीक है,
अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि मांडू महोत्सव से संबंधित है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है या होता है? मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव होता है, तो ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि मांडू महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश में। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय मांडू उत्सव राज्य के धार जिले में, मतलब कहाँ हुआ है, अगर पूछ लिया डीपली कौन से जिले में हुआ था, तो धार जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध सुरम्य पर्यटन स्थल मांडू में शुरू हुआ। मांडू उत्सव शहर के सार को पुनर्वासित करेगा और राज्य में एक नया पर्यटन केंद्र स्थापित करने की खुशी व्यक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने 27 दिसंबर 2019 को कवियों का राष्ट्रीय संगोष्ठी 2020 का आयोजन किया है, तो मतलब ये ऑनलाइन में भी फॉर्म हुई थी, तो इसकी थोड़ी डिटेल भी हमने रख दी है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 27 दिसंबर 2019 को कवियों का राष्ट्रीय संगोष्ठी 2020 का आयोजन किया गया था। इस कवि संगोष्ठी में संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं के चुनिंदा कवियों ने भाग लिया। तो ये भी न्यूज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 22 भाषाओं के कवि, मतलब संविधान में 22 भाषाओं का दिया गया है विवरण, तो इसीलिए। अब नेक्स्ट न्यूज हो जाती है, चीन ने अपने सबसे भारी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 का सफल प्रक्षेपण किया है। चीन ने तीसरा लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया, जो देश का सबसे भारी मालवाहक रॉकेट है। इसने सिजियान 20 को एक तकनीक प्रयोग उपग्रह बनाया है, जिसका वजन 8 टन से अधिक है, जो देश का सबसे भारी और उन्नत संचार उपग्रह है। तो चीन की जो कैपिटल होती है वो होती है बीजिंग, और यहाँ की जो करेंसी होती है उसे कहते हैं युआन, तो ये भी आपको याद रखनी है। पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया जो है, जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया है, वैसे चीन की जो होती है वो होती है पीपल्स बैंक्स ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। कल हमने बताए थे राज्य के राज्य गठन दिवस, 19 बता दिए थे, बाकी हम बाद में बताएंगे 10 जो बचे हुए हैं, ठीक है। आज हम बता रहे हैं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री। अब ये बताने का मतलब ये है कि अब आज हो रहा है साल का एंड, तो आपको मुख्यमंत्री के बारे में अगर नहीं पता है, तो एक बल्क में आपको लिख के दे दिया हमने सारा कुछ। तो आप जैसे, आप अगर बड़ा लेवल का एग्जाम होता है, जैसे UPPCS है, UPSI है, UPSSSC, ये बड़े एग्ज़ाम होते हैं, तो इनमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जो ये मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी कौन सी है। तो आपको ये तो बहुत पता है, कांग्रेस होती है, सपा पार्टी होती है, भारतीय जनता पार्टी होती है, आम पार्टी होती है। और आपको ये नहीं पता होगा कि आंध्र प्रदेश में कौन सी पार्टी है, तेलंगाना में कौन सी पार्टी है, तो हमने सारा लिख दिया है इसमें, तो आपको नोट कर लेना। बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसमें बेस्ट कुछ भी नहीं है, तो आपको नोट कर लेना है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू, और ये पद पर आसीन हुए 8 जून 2014 को, और इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश उनके मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है पेमा खांडू, और ये 17 जुलाई 2016 से पद पर आसीन हुए थे। इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। असम के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल, और ये 24 मई 2016 को पद पर आसीन हुए थे। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये पद पर आसीन हुए थे 22 फरवरी 2015 को, और यहाँ पर जनता दल, जिसे यूनाइटेड प्लस राष्ट्रीय जनता दल का इनकी पार्टी, मतलब गठबंधन की सरकार है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, 17 दिसंबर 2018 को ये पद पर आसीन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी है, और भूपेश बघेल अभी आदि महोत्सव जो हो रहा है, नृत्य आदि महोत्सव छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, करंट की न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद पर आसीन हुए 14 फरवरी 2015 को, और इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जो कि सभी को पता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी कौन है और इनकी पार्टी का नाम क्या है। बात करेंगे मुख्यमंत्री गोवा के, वो हैं प्रमोद सावंत जी, इनसे पहले थे मनोहर पर्रिकर, ठीक है, और ये यहाँ का ये गलत लिखा हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इनका जो पद पर आसीन हुए वो अभी कभी हुए, वो मेरे माइंड से स्लिप है, ये यहाँ पे गलत है, ये मनोहर पर्रिकर का लिखा हुआ है, तो ये गलत है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। अब बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, और ये पद पर आसीन हुए 7 अगस्त 2016 को, और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।
बात करेंगे हरियाणा की, तो मुख्यमंत्री के जो हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं, 26 अक्टूबर 2014 पर ये पद पर आसीन हुए थे और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री जी राम ठाकुर और ये पद पर आसीन हुए 27 दिसंबर 2017 को, भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है। जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को, और 31 अक्टूबर को जो हमारे लौह पुरुष हैं उनका जन्मदिवस भी होता है। लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2018 को उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था, जो जिसकी लंबाई कितनी है 382, ठीक है। अब गुजरात के जो उपराज्यपाल बने हैं प्रथम, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। अब झारखंड की बात करेंगे, इनके मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास और पद पर आसीन जो हुए हैं ये 28 दिसंबर 2014 को हैं, भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है। कर्नाटक की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं SD कुमारस्वामी और 23 मई 2018 पर ये पद पर आसीन हुए। इनकी पार्टी का नाम है जनता दल और इसका टैगलाइन कह सकते हैं या उपनाम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। केरल की बात करेंगे तो पिनाराई विजयन है पद पर आसीन और 25 मई 2016 को ये पद पर आसीन हुए और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ये मार्क्सवादी भी कहलाती है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मुख्यमंत्री कमलनाथ है पद पर आसीन हुए हैं ये 17 दिसंबर 2018 को, मतलब कि अभी दिसंबर में लास्ट ईयर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस नहीं है, यहाँ शिवसेना आ चुकी, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे, मे बी कन्फर्म करके हम बताते हैं, वैसे उद्धव ठाकरे हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको आप ध्यान मत देना, ओके। और यहाँ पे शिवसेना है तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और पद पर आसीन हुए 15 मार्च 2017 को और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मेघालय की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और ये 6 मार्च 2018 को पद पर आसीन हुए और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। मिजोरम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा और 15 दिसंबर 2018 पर ये पद पर आसीन हुए और इनकी जो पार्टी है उनका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। नागालैंड की मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं नेफ्यू रियू और पद पर आसीन हुए 8 मार्च 2018 को और इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा की बात हुई है, ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर होती है और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी और 5 मार्च 2000 से ये पद पर आसीन है और इनकी मतलब कि ये ही हमेशा बन रहे हैं मुख्यमंत्री 2000 से तो, और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है बीजू जनता दल। अब पुडुचेरी की बात करें जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी और 6 जून 2016 से ये पद पर आसीन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी है। पंजाब की बात करेंगे, कप्तान अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 16 मार्च 2017 से ये पद पर आसीन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी है। बात करेंगे राजस्थान की, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ की 17 दिसंबर 2018 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी है। अब सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो पवन कुमार चांगले हैं और इनके पास सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का बहुत टाइम तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है, तो ये 12 दिसंबर 1994 से कुमार चामलिंग मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के और ये सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के इनकी पार्टी है, जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है वह इनकी पार्टी है। अब तमिलनाडु की बात करेंगे, एडापट्टी के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 16 जनवरी 2017 से इन्होंने पद पर आसीन हुए हैं ये और इनकी जो पार्टी है उनका नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा काझागम, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब तेलंगाना की बात करेंगे, के चंद्रशेखर राव KCR और पद पर आसीन हुए ये 13 दिसंबर 2018 को, तेलंगाना राष्ट्र समिति मतलब कि TRS इसकी पार्टी है तेलंगाना की। बात करेंगे त्रिपुरा की, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और ये पद पर आसीन हुए 9 मार्च 2018 को और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सभी को पता है वेरी इजी क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पद पर आसीन हुए 19 मार्च 2017 को और जो पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी है। अब उत्तराखंड की बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और 18 मार्च 2017 से इन्होंने पार्टी
का पदभार ग्रहण किया और इनकी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि 20 मई 2011 से मुख्यमंत्री हैं लगातार, और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। तो ये थे हमारे मुख्यमंत्री की डिटेल, जितने भी ओरिएंटेड थे। अब कल हम लेकर आएंगे, आज ही से बता देते हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक कौन कौन हैं। ओके, तो ये सब आपको न्यूज़ है और इसे नोट कर लेना है, बहुत अच्छे से नोट्स अरेंज करने हैं अपने, अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। अब बात करेंगे वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार आया हुआ है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में राष्ट्रीय आदर्श NSS की स्थापना कब हुई थी, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1950 में NSS की स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये तो सभी को पता होगा, तो वो है चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को अधिकतम किससे आय कर प्राप्त होती है, जो कर होता है कर आय प्राप्त होती है, तो वो होता है निगम कर, जो निगम होता है वहाँ से इसे सबसे ज़्यादा कर की प्राप्ति होती है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, तो सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है वह हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वो है कार्ल मार्क्स की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है दास कैपिटल पुस्तक, क्योंकि ये बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है, तो वो सभी को पता होगी अगर आप पढ़ते हैं तो सिंगरौली में, तो ये सिंगरौली में पाई जाती है। ओके, तो अब ये था हमारा करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया गया था। पर डे भी हमारा जो भी करंट अफेयर होता है बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया हो, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना चाहिए और अपने नोट्स भी अरेंज करें पर डे और रिवीजन करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और हमारे फेसबुक इंस्टा टिकटॉक और हेलो अकाउंट को भी फॉलो करें, और टेलीग्राम को ग्रुप को भी ज्वाइन करें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने मन में यही ठान के चलें कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।